बनी हुई घटना। गांव में एक गरीब माता, छोटी उम्र में वैधव्य आ गया, लेकिन एक पुत्र था। माँ ने मजदूरी करके आसपास के लोगों का बर्तन मांजा, कपड़े धोए, घर का काम किया, स्वयं भूखी रहकर के बेटे को भूख खिलाया और बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया। डॉक्टरी पढ़ते समय बेटा होनहार था, अच्छे नंबर लाता था, गोल्ड मेडल लाता था। शहर में जब डॉक्टर में कॉलेज में मेडिकल कॉलेज में वो पढ़ता था, वहां पर पढ़ते पढ़ते एक युवती से उसका परिचय हुआ और वो स्त्री, वो युवती शहर के बड़े डॉक्टर की इकलौती बेटी थी। प्रेम हुआ, परिचय हुआ, प्रेम हुआ, विवाह भी किया, मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की। और इसके ससुर जो थे वो तो इतने बड़े होनहार बड़े शहर के डॉक्टर, तो सब कुछ आसानी से मिल गया, बड़ा सा मकान। गांव से मां को ले आया ये मकान में, मां गांव की है, अनपढ़ है, बेटे को मां से प्रेम है, बेटा जानता है कि मां ने बहुत कुछ किया है, लेकिन जो बहू है उसको समाज के सामने सांस के साथ जाते हुए संकोच होता है, क्योंकि वो तो श्रीमंत पिता की पुत्री है, उसका जो सर्कल है वो सब शहर के बड़े बड़े लोग हैं, तो वो कभी घर पे आए या तो कभी कोई कार्यक्रम में जाना पड़े। मां तो बेचारी पूरी जीवन गरीबी में बीता है उसका, तो उसको वो शहर की सब बड़ी बड़ी रीत भात वो नहीं आता, वो सामान्य महिला है, उसका बोलना भी बिल्कुल गांवठी भाषा है। पढ़ी लिखी ये जो कन्या है उसको संकोच होता है, मेरी मदर इन लॉ ऐसी, और उसमें से धीरे 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 अंतर निर्माण होता है। वो अपने पति से कहती है, अच्छा नहीं लगता घर में ये माता हो, सब लोग आए मिलने के लिए और बताना पड़े कि धीरे धीरे फिर उसके शब्द भी कठोर होते गए। एक बार तो उसने पति ने कहा कि हमारे घर की जो मेड है, काम वाली बाई है ना, वो तुम्हारी मम्मी से अधिक कर्टियस है, उसको कपड़े कैसे पहनना, बात कैसे करना वो अच्छा आता है, तुम्हारी मदर को कुछ नहीं आता। अब स्वभाव ऐसा है भाई कि किसी भी मन के ऊपर एक बार टिक 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 100 बार सुनाई जाए तो धीरे 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 उसका मन भी बदलने लगता है। लड़का संस्कारी था, उसने मां से कहा कि मां यदि शहर में तुम्हें अच्छा न लगता हो तो गांव में मकान अच्छा बना दें, आपके लिए सब सुविधा कर दें, वहां पर तुम्हारी उम्र हुई है तो 2-3 नौकर भी रख देंगे, सब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, तब गांव में। मां कहती बेटा पूरा जीवन तो गांव में अकेली रही जब तुम पढ़ने के लिए बाहर निकले, अब जब भगवान ने अच्छे दिन दिए हैं और मेरी आयुष्य में जितना समय बचा है बेटा, बस तू मेरी आंखों के सामने रहे ना, यही चाहती हूं मैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये तेरे बड़े मकान की मुझे कोई आकर्षण है, मैं तो अपने कमरे में रहूंगी, तू बस मेरे सामने हो, सुबह शाम तुझे मैं देख लूं। ये मां का भाव, बेटा भी कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मां की भावना को समझता है, लेकिन कुछ प्रसंग ऐसे होते गए कि उस कन्या ने कहा कि
इनके साथ नहीं रहा जा सकता। पोजीशन जो है, स्टेटस है, उसमें फर्क पड़ता है। उसकी फ्रेंड्स सब कहती है ऐसी तेरी मदर इन लॉ, ऐसी तेरी मदर इन लॉ। एक बार तो उसने कह दिया अब इस घर में या तो मैं रहूंगी या तो तुम्हारी माता रहेगी। युवक माता के पास जाके कहता है मां तुम गांव में चली जाओ ना सब। तो मां ने बड़ी सहजता से कहा बेटा जीवन भर मजदूरी की है, तुझे पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, कितनी मजदूरी की, लोगों के घर के काम किए, बर्तन धोए, कपड़े धोए, ये सब किया, तब जाकर के आया है बेटा, मैंने तेरे लिए कितना कुछ किया है, बस अब तुझे देखना चाहती हूं मैं। अब मां ने तो अपने हृदय का भाव व्यक्त किया कि बेटा मैं तुझे, लेकिन बेटे ने ऐसा, पत्नी ने कहा देखो ये सुना रही है तुम्हारे लिए इतना किया, तुम्हारे लिए इतना किया। तो बेटे को भी क्रोध आ गया, क्या किया बता दो मुझे, सब हिसाब चुका दूंगा तुम्हारा, कितनी फीस भरी मेरी, कितना खर्चा किया मेरे पीछे। मां गांव में रहने वाली अवश्य थी लेकिन गंवार नहीं थी, मूर्ख नहीं थी, वो समझदार थी। ओ बहुत बड़ा हो गया मेरा बेटा, मेरा हिसाब चुकाएगा अब। बेटा ले कागज पेन ले, हिसाब लिखवाती हूं। पहली कक्षा से लेकर के कॉलेज तक तू पढ़ा, उसमें तेरी कॉलेज की फीस, तेरे किताब, तेरे कपड़े, तेरा आना जाने का खर्चा, तेरा भोजन का खर्चा, वो सब तो हिसाब तू लगा ले बेटा, कितना बिल होता है, पैसे क्या खर्च होते हैं, वो तू लगा ले, और तू शायद लगा भी लेगा। नौ महीने तक मैंने तुझे अपने पेट में धारण किया, वो गर्भवास का भाड़ा तू कितना लगाएगा, तुझे जन्म देते वक्त जो वेदना मैंने सहन की, उस वेदना के लिए तू मुझे कितने पैसे चुकाएगा, तुझे जन्म देकर तेरे मस्तक पर प्रेम भरा जो हाथ मैंने फेरा, वो एक बार हाथ फेरने के क्या चार्ज लगाएगा। मेरे हृदय का अमृत जो मैंने तुझे पिलाया, वो मां के दूध के लीटर का क्या भाव लगाएगा तू, बड़ा आदमी बन गया, हिसाब चुकाएगा मेरा। प्रिय स्वजनों, माता ने जो हमारे लिए किया उसका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। ये न चेतयते विश्वम, विश्वम चेतयते, हम बदले में कुछ नहीं दे सकते, इसलिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव,